कुछ समस्याएं थी, लेकिन हमेशा उसके लिए तो जो कुछ भी इलाज करना हो तो होता ही रहता था, लेकिन ये हमेशा अपने काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते थे। और इनकी खास बात थी, हर तरह की चीज़ों के बारे में इनकी जो जानकारी, और आप जानते हैं कि यहाँ पर तो उनको विशेष जिम्मेवारी भी दी गई थी, खास करके इकोनॉमिक सर्वे वगैरह को लेकर के वो हर बार रिपोर्ट तैयार करते थे, करते रहे हैं, और हाउस में उसको रखा जाता था। और जो सबसे बड़ी बात हो तो एक विषय है, लेकिन इनको सब चीज़ों के बारे में जितनी जानकारी थी और इनसे जो कुछ भी बातचीत होती थी, तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी उनका जो आइडिया रहता था बहुत अच्छा रहता था। और हम लोगों का संबंध बहुत पहले का है, और बहुत जमाने से, बहुत समय से ही हम लोगों का काफ़ी व्यक्तिगत तौर पर भी संबंध रहा है। और जिस प्रकार से तबीयत खराब होने पर भी जितना वो काम करते रहते थे, वो बड़ी खास बात थी। और अभी अचानक इस बार जो हुआ, और कल मालूम हुआ कि कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब थी, कोई जानकारी नहीं थी, जानकारी कल ही हुई। और जब कल ही हुई तो हमको तो शुरू में लगा कि नहीं, जरूर ठीक होंगे, तो वहाँ पर पारस अस्पताल से भी, डॉक्टर हरी साहब से भी बातचीत, और अन्य के घर के बच्ची से बातचीत, सबनों से बातचीत हुई, लेकिन 7 बजे के बाद ही वो चल बसे। हम सब लोगों को काफ़ी बजट पेश बनाया सर कुछ दिन में बिहार का, तो शहबाज गुप्ता जी की कमी बहुत। हाँ, वो तो खलेगी, लेकिन इनकी रिपोर्ट बन करके तैयार थी। वो रिपोर्ट लगभग जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो होता है वो तैयार है, इकोनॉमिक सर्वे का, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों को तो वो एक पहलू, लेकिन इनके चले जाने से काफ़ी तकलीफ है। बहुत तरह की गतिविधियाँ उनकी जितनी थी हर क्षेत्र में, सब चीज़ों के बारे में उनका एक आइडिया रहता था, और जो कुछ भी यहाँ के बारे में, देश के बारे में, देश के बाहर भी जो कोई खास बात होती थी, उन सब चीज़ों पर एक अपना उनका दृष्टिकोण रहता था, और इसको लेकर के वो आर्टिकल भी लिखते थे, हम लोगों के साथ बातचीत बराबर होती रहती थी। तो इनकी बहुत खासियत थी, ये बहुत ही एक इनकी एक विद्वान व्यक्ति थे और सक्रिय व्यक्ति थे हर दृष्टिकोण से। तो उनके निधन से तो हम लोग काफ़ी तकलीफ में हैं। एक सवाल है विपक्ष सर, उनके प्रति हम लोग अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, और सदैव उनको याद रखा जाएगा, उनको इस बात का पूरा का पूरा। एक सवाल है सर, मानव श्रृंखला विपक्ष लगाने वाला बिहार में किसानों के मुद्दे को लेकर, तो हमको आइडिया नहीं पता। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है, कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है, तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा, वीकली टेस्ट की है व्यवस्था, एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता, रामराज मोर, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। जेबा हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर, JR मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती जेबा परवीन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सी अहमद द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध, प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों का निःशुल्क जाँच किया जाता है, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। जेबा हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर, बिंदुसार, बुजुर्ग रोग, डॉक्टर रामजी चौधरी के पश्चिम, सिवान। मोबाइल नंबर 9934622735, 9546426744। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है MO कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। MO लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल
फेस्टी और स्पाइन चार अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर में एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने सिसवन ढाला सिवान, संपर्क करें 7050505008 7783069423। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग न्याज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग न्याज, सेकंड फ्लोर विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग न्याज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866 और 8789216171 पर।